हम एडवर्ब देख रहे थे और आज हमने उसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू देखना है. वी हैव टू लुक इन टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्ब एंड दैट इज द यूज ऑफ इन्वर्जन. द यूज ऑफ इन्वर्जन, ये लफ्ज जो इन्वर्जन है ये इनवर्स से निकला है. INVERSE. तो ये लफ्ज जो इन्वर्जन है ये इनवर्स से निकला है. INVERSE. इनवर्स का मतलब होता है उलट होना, गो रिवर्स. अब हमने ये देखना है कि इन्वर्जन होता क्या है ग्रामर में. देखिए ग्रामर की में फिक्रे की तरतीब क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना, SVO. लेकिन अगर ये उलट हो जाए, वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आए, तो इसे हम इन्वर्जन कहेंगे. अगर ये उलट हो जाए, यानी आप वर्ब पहले ले आए और सब्जेक्ट बाद में ले आए, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे. फर्ज कीजिए मैं कहता हूं ही इज राइटिंग अ लेटर, इसमें तरतीब क्या हुआ, ही इज राइटिंग. अब ही सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है. यहां तो सही है ना. अब इसमें इन्वर्जन कैसे लगेगी, व्हाई इज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना. अब हमने इज वर्ब से पहले लगा दिया, इसे हम इन्वर्जन कहेंगे. यू गॉट द पॉइंट. जी बिल्कुल, सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें इन्वर्जन लगाते हैं हम. व्हाई हैव यू ईटन माय चॉकलेट. Why have you eaten my chocolate? तो क्या इसमें इन्वर्जन है, इसमें इन्वर्जन है, बताए ना. Why have you, इसको अगर सीधा फिक्रा लिखें तो क्या कहेंगे, You have, इसमें सब्जेक्ट के बाद have आता है ना, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट से पहले have लिख देंगे तो that is called इन्वर्जन. अच्छा, अब आपको इन्वर्जन समझ में आ गई, सबको आ गई, एनी कंफ्यूजन. चले आगे, अब चलते हैं. जो एडवर्ब हैं उनमें कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं कि अगर वो फिक्रे के शुरू में आ जाएं तो हमें इन्वर्जन लगानी पड़ती है. एडवर्ब्स अगर फिक्रे के शुरू में आ जाए, अगर कोई एडवर्ब फिक्रे के शुरू में आ जाए तो हमें क्या लगानी पड़ती है जी, इन्वर्जन लगानी पड़ती है. एम आई क्लियर. मिसाल के तौर पर ये क्या है एडवर्ब्स, फर्ज कीजिए. अच्छा, ये दो चीजें ज़हन में रखनी है, एक तो वो एडवर्ब हो जो शुरू में आ रहा है और दूसरा वो फिक्रे के शुरू में हो, तब इन्वर्जन लगानी है आपने. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि Hardly, मैंने उसे मुश्किल ही से देखा था, या मैं अभी मुश्किल से वहां पहुंचा ही था कि बारिश हो गई. Hardly I reached there. Hardly I reached there when it rained. Hardly जहां आ जाएगा वहां दरमियान में when जरूर आएगा या before जरूर आएगा, ये याद रखिएगा. अच्छा, अब क्या ये फिक्रा ठीक है, हार्डली आई रीच देयर व्हेन इट बिगेन टू रेन, क्या ये फिक्रा ठीक है, नहीं ठीक. हार्डली क्या है, एडवर्ब है, फिक्रे के शुरू में आया. अब यहां हमें इन्वर्जन लगानी पड़ेगी.
हार्डली आई हैड रीच देयर, फर्ज करें मैं आपको बताता हूं, हार्डली आई हैड रीच देयर व्हेन इट बिगैन टू रेन, विक्रा लिखे नहीं, हार्डली आई हैड रीच देयर व्हेन इट बिगैन टू रेन, क्या ये फिक्रा सही होगा? Yes, नहीं सही होगा. हेड लगा दिया, लेकिन इन्वर्जन कहां गई इकरा? आपने तो हार्डली शुरू में लगाया, यहां इन्वर्जन लगेगी ना, हार्डली हैड आई रीच देयर, समझे है ना, हार्डली हैड आई रीच देयर व्हेन इट बिगेन टू रेन. बात समझ में आई या नहीं आई? और देखते हैं हम इसकी कुछ मिसालें. जी हो जाता है ना, ऑप्शन है आपके पास. ये जो एडवर्ब्स है ना जो इस तरह से यूज होते हैं, उनका का आपके पास ऑप्शन होता है कि चाहे आप फिक्रे के शुरू में ले आए. मैं आपको कुछ और मिसालें देता हूं, आपको समझ आ जाएगी बात की. जी सारे एडवर्ब्स पे अप्लाई होता है जो फिक्रे के शुरू में आ सकें, सारे वो एडवर्ब जो फिक्रे के शुरू में आ सकें, सारे शुरू में नहीं आ सकते ना. देखिए ना, हमने आप वो तरतीब पढ़ी है ना, कौन सी तरतीब पढ़ी है हमने? नहीं 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 नहीं, एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम. अब आप क्या टाइम शुरू में ला सकेंगे? नहीं ला सकते ना. मैनर ला सकते हैं, ही रन्स फास्ट, क्या आप फास्ट शुरू में ला सकते हैं? फास्ट ही रन्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते. कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको आप ऑप्शन होते हैं आपके पास कि आप शुरू में ला सकते हैं, उनकी मैं आपको तरतीब, उनकी मैं आपको डिटेल आपके साथ अभी वही शेयर कर रहा हूं. ठीक है, नहीं समझ आई कश? तो मैं वही बता रहा हूं ना, जो नहीं शुरू में लगा सकते वो जो प्लेस है, आप प्लेस को शुरू में नहीं ला सकते, आप मैनर को शुरू में नहीं ला सकते, एडवर्ब ऑफ मैनर को, एडवर्ब ऑफ प्लेस को नहीं ला सकते, एडवर्ब ऑफ टाइम को नहीं ला सकते. एम आई क्लियर? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो ला सकते हैं क्योंकि वो वर्ब से पहले आते हैं. एम आई क्लियर? अच्छा, आप ये देखिए ना, हार्डली ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, कितनी बार? बहुत कम बार. आगे देखते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी ला सकते हैं आप, और एडवर्ब ऑफ कहीं कहीं डिग्री भी ला सकते हैं. एम आई क्लियर? एडवर्ब ऑफ डिग्री भी. अब चलें देखते हैं, टू वीक ही इज, टू वीक ही इज, क्या फिक्रा सही है? क्या आएगा? टू वीक इज ही, गुड, टू वीक इज ही इज कहेंगे तो गलत हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना. इसी तरह देखिए, लिटिल लिटिल. अच्छा, अब लिटिल को हम बतौर एडजेक्टिव भी यूज करते हैं. अगर मैं ये कहूं कि लिटिल मिल्क देयर इज, तो फिक्रा गलत हो जाएगा. क्यों गलत होगा? यहां पे लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है ना, मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है ना, मिल्क नाउन. अच्छा, अगर मैं कहता हूं लिटिल ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज लूजिंग एवरीथिंग, लिटिल ही रियलाइज्ड. अब लिटिल यहां क्या है? एडवर्ब है ना, रियलाइज वर्ब है ना, रियलाइज को क्वालिफाई कर रहा है ना. लिटिल ही रियलाइज्ड.
अच्छा अब बताइए, लिटल ही रियलाइज्ड क्या ठीक होगा फिर? हाँ जी, कैसे ठीक होगा फिर? लिटल नहीं नहीं, ये रियलाइज्ड ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट का सवालिया बनाने के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब ले? डिड, गुड। तो अब क्या आएगा? लिटल डिड ही रियलाइज, आगे फिर रियलाइज्ड नहीं रहेगा। लिटल डिड ही रियलाइज्ड दैट ही वाज लूजिंग एवरीथिंग। लिटल डिड ही रियलाइज्ड, सॉरी, लिटल डिड ही रियलाइज दैट ही वाज लूजिंग एवरीथिंग। यू गॉट द पॉइंट? और देखें कुछ और मिसालें भी हमारे सामने हैं। फर्ज कीजिए, पॉजिटिव कैसे जी? हाँ जी, हार्डली, स्केर्सली, ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। इस तरह से आप कह रही हैं, जी नहीं, वो गलत हो जाएगा ना। यानी अगर आपने एडवर्ब फिक्रे के शुरू में लेके आना है ना, देखिए इसके भी ऑप्शन दोनों हैं। आप यहां कह सकती हैं कि ही रियलाइज्ड लिटल, ही रियलाइज्ड लिटल दैट ही वॉज लूजिंग एवरीथिंग, ये फिक्रा ठीक है। तो फिर आपको शुरू में लाना पड़ेगा। देखिए इन्वर्जन होता ही क्वेश्चन है। इन्वर्जन का मतलब ही होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आए। इन्वर्जन का मतलब होता है उलट कर देना। उलट कर देना, उलट कैसे करते हैं कि जब आप इसे स्ट्रेट रखते हैं, इसे नॉर्मल रखते हैं, तो फिर तो सब्जेक्ट के बाद आता है ना हेल्पिंग वर्ब, एसवीओ वाले फॉर्मूला के तहत। लेकिन अगर आप इसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट से पहले आएगा और फिर ये इन्वर्जन कहलाएगा। बात क्लियर? सबको क्लियर जी? अच्छा अब फर्ज करें हम यूज करते हैं कि नो टॉकिंग प्लीज। अगर कोई कंफ्यूजन है मेरे साथ डिस्कस करें। हाँ जी, इन्वर्जन फॉर्म रूल है ये, रूल है ये, हम क्यों क्या कर सकते। जी बिल्कुल, जब सेंटेंस कोई भी इंट्रोगेटिव बनता है ना, प्लीज गर्ल्स, गर्ल्स कोई कंफ्यूजन लगती है आपको, आप वैसे नहीं बातें कर रही होंगी, और कंफ्यूजन है तो आप हमारे साथ शेयर कर लें। अब फर्ज करें मैं कहता हूं व्हाट योर नेम इज, ये इन्वर्जन नहीं लगी है भाई के लिए, ये सादा है ना, योर नेम के बाद इज आ रहा है। अगर मैं कहता हूं व्हाट इज योर नेम, तो यहां इज चूंकि शुरू में आ गई, यहां हमने इन्वर्जन लगा दी है भाई के लिए। एडवर्ब का फॉर्मूला ये है कि कुछ एडवर्ब्स अगर पहले आ जाए फिक्रे के बिल्कुल शुरू में, जिनका मैंने अभी आपको हवाला दिया या कुछ और, तो उनमें हमें फिर इन्वर्जन लगानी जरूरी हो जाती है। जैसे हार्डली अभी हमने किया ना, एक और इन्वर्जन है स्केर्सली, इसे स्कार्सली भी कहीं पढ़ते हैं, लिखिएगा जी अला, स्केर्सली स्पेलिंग आती है, क्या है जी? SCAR, हाँ जी, CELY, scarcely, SCARCELY, scarcely। अब ये भी होता है इसी तरह scarcely, वो इसका मतलब भी हार्डली होता है, क्लियर? scarcely did he come here, या scarcely had he come here, Scarcely he had come here कहेंगे तो गलत हो जाएगा। या इसको आप यूं कर दें, he scarcely had come here। अगर आप he को scarcely,
ही के बाद स्केर्सली लिखेंगे तो फिर आप इसे इन्वर्जन नहीं देंगे। फ्रीक्वेंसी तो है ही है ना, ये देखिए ना, ये वर्ब से तो पहले दोनों हालत में आ रहा है ना। हाँ जी, नहीं ये यहां एडवर्ब नहीं है, ये तो मैंने आपको सिंपल इन्वर्जन की मिसाल दी थी ना। क्या जी, ये व्हाट योर नेम इज उस सूरत में ठीक होगा, अगर आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब मैं करवाऊंगा ना आपको, फिर आपको पता चलेगा कि ये अगर दूसरी क्लास में डब्ल्यू एच एलिमेंट आता है ना, सेकंड क्लास में डब्ल्यू एच एलिमेंट आता है तो फिर हमने इसे इन्वर्जन में नहीं लिखना। लेकिन वो अभी उस वक्त बताऊंगा जब हम नरेशन करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, अभी शायद आपको समझ ना आए। फर्ज करें मैं कहता हूं ही आस्क्स मी, एक क्लास हो गई, आगे वो सवाल है व्हाट इज योर नेम, वहां इन्वर्जन नहीं देनी क्योंकि ये सबॉर्डिनेट क्लास होगी, सेकंड क्लास होगी। सबॉर्डिनेट क्लास में हम सादा लिखते हैं, सवालिया नहीं लिखते, इन्वर्जन नहीं देते। व्हाट योर नेम इज, हाँ फिर आप इन्वर्जन देंगे। You got the point जी। आगे देखिए, हमने जो एडवर्ब्स डिस्कस किए हैं जिनमें हमने इन्वर्जन देनी है, तो उनमें क्या आ गया जी, टू आ गया, हार्डली आ गया, स्केर्सली आ गया, लिटल आ गया, और भी हैं, चलिए और देख लेते हैं, नॉट, नॉट, Not, not भी बतौर एडवर्ब आप शुरू में ला सकते हैं, बातें नहीं करनी। वैसे तो हम कहते हैं ना he did not come, है ना, हाँ जी, काट दे काट दे। किसकी थी, नाम था कोई, क्या था, हाँ जी काट दे। वो कट गई है, नहीं वो टाइम ऊपर हो गया, चले चले, थैंक यू वेरी मच जी।